मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गढ़वा दृष्टि और फेसबुक पर झारखंड दृष्टि। अभी हम उन शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो यूट्यूब की दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने उस मुकाम को हासिल किया है जो हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो चलिए आइए उन शख्स से मिलाते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे तक पहुँचे, ताकि लोगों तक हमारा ये मैसेज कुछ पहुँचे कि लोग और भी इन्फ्लुएंस हो सके हमसे और कुछ अपना काम शुरू कर सकें। तो मेरा परिचय हुआ, मैं राजाराम प्रसाद गढ़वा के रमना प्रखंड से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 7 सालों से यूट्यूब पे ऑनलाइन से पैसे कमा रहा हूं। दर्शकों को आप बताइए कि किस तरह से आप यूट्यूब पे वीडियो अपना क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। जर्नी मेरा स्टार्ट होता है कि जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी पैरालिसिस हो गए थे, उनको लंकवा मार दिया था पूरा हाफ बॉडी में। तो हम लोग अपने से ही कमाकर पढ़ाई करते थे, गुजारा करते थे। तो जब हम 8-9 साल के थे तब से ही हम ब्रेड बेचते थे टोकरी में, गर्दन में लटकाकर, जैसे चना लोग ट्रेन में बेचते हैं उस तरीके से बेचते थे। और साथ ही साथ हम लोग का इसी घर के अंदर ब्रेड का दुकान था, तो यहाँ पर हम ब्रेड भी बनाते थे और ब्रेड बेचने भी जाते थे और बनाते भी थे। बिजनेस करता था, ब्रेड बेचता था हमारे स्कूल में भी और गाँव घर में भी घूम फिर के, और इससे लाज शर्म तो बिल्कुल भी नहीं आता था। हमें लगता था कि कैसे बेच लेता है हम लोग के साथ पढ़ते हुए, क्योंकि लोग पढ़ते हुए शर्म लगता है, कोई भी धंधा नहीं कर पाता है। YouTube बनाने से पहले ब्रेड बनाते थे, ब्रेड बेचते थे, बर्फ बेचते थे, बर्फ बनाते थे। ठीक, तो अब ये बताइए कि आपको हम कब डिस्टर्ब करते थे। हमको 3 बजे भोर में, 1 बजे रात में, जब ब्रेड बनाया हुआ हो जाता ये बंदा उसी समय फोन करना शुरू करता, सर उठिए नहीं वीडियो बनाइए नहीं, सर उठिए नहीं वीडियो बनाइए नहीं। तो रसूल जानते थे क्या होता था, आपके पिताजी आते थे बर्फ बर्फ लेके। हाँ, तो मेरे पिताजी को आपके पिताजी बढ़िया से जानते थे। हाँ, क्योंकि सामने में फूफा है। तो जब हमारे पिताजी गुजर गए तो जब वो आते तो सबको बर्फ देते ना, तो हमको मतलब कभी पैसा से बर्फ फ्री भी नहीं किए, ऐसे देते थे। हाँ, तो फिर उसके बाद बर्फ नहीं बेचने में असमर्थ हो गए। तो फिर आप भी बर्फ बेचना शुरू किए, पावरोटी बेचना शुरू किए, तो लोग कहते कि उनके ही लड़का ही है, तब से हम आपको जान रहे हैं। इंटरनेट की दुनिया में आने से पहले आप ब्रेड बेचा करते थे, लेकिन इस फील्ड का ज्ञान आपको कैसे हो? इस फील्ड का ज्ञान हम जब इंटरनेट जब हम स्कूल में शशिकला क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में पढ़ाते थे, तो उस समय मेरे ही दोस्त जो जूनियर थे मुझे कॉल किए और MLM जो कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसके अंदर जुड़वा दिए थे। वहाँ पे मोटिवेशनल बहुत अच्छा मिलता है, तो वहीं से हमें जानकारी मिला कि YouTube से भी पैसे कमा सकते हैं। तो उस चीज़ को हम बहुत हल्के में लिए थे, और फिर जब Jio लॉन्च हो गया तो इंटरनेट बहुत सारा मिल गया, तो हम 8 महीने तक कंटिन्यू वीडियो देख रहे थे इंटरनेट पर। और देखते देखते फिर मुझे एक अचानक से वीडियो दिख गया और वहाँ पे मुझे जानकारी मिला कि ऑनलाइन इंटरनेट से पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तो फिर वही वीडियो देखे और वहीं से फिर अपना जर्नी शुरू कर दिए। धीरे 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 करके वीडियो अपलोड करते गए यूट्यूब पे, और आज देखिए कि हम यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने। एक आवत सत्य है कि जहाँ चाह है वहीं राह है। जी जी। और यदि व्यक्ति सोच ले कि कठिन परिश्रम से ही मुकाम को हासिल किया जा सकता है, तो आप बताइए कहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, किस घर से स्टार्ट किए थे, आप सबसे पहले बताएं और हमें दिखाएं। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पुराना वाला घर है और इसी में हम तीनों भाई रहते थे, और तीनों भाई रहने के साथ साथ ब्रेड भी बनाते थे, और जैसे तैसे करके जहाँ से जिसको नॉलेज मिला वो अपना काम कर रहे थे। तो मुझे इंटरनेट का भी नॉलेज मिल गया था और साथ में ब्रेड भी कर रहे थे और यूट्यूब को हम पार्ट टाइम कर रहे थे। तो जब हमको फुर्सत मिलता था तब हम ये काम करते थे। तो रात के 2 बजे तक हमारा ब्रेड का काम चलता था। अगर किन्हीं को ब्रेड के बारे में जानकारी होगा तो उनको आइडिया होगा, 2-2 बजे, 3-3 बजे, और सुबह मॉर्निंग में उठ भी जाते थे, और उसी बीच जब भी हमें समय मिलता था तो हम यूट्यूब के लिए वीडियो भी बना देते थे। और यही घर है और इसी में हम लोग रह के काम करते थे। ये घर में जगह कम पड़ रहा था
ये पीछे वाला घर थोड़ा सा इनकम हो गया था, तो पीछे वाला घर हम अपना हिस्सा में मिला था तो हम उसको तोड़ के बना रहे थे। तो फिर हमारा चाचा जी ने हमको सपोर्ट किया और इस वाले घर में जिसमें छप्पर भी नहीं है उसमें हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दर्शकों को आप दिखाइए जी, और हम चाहेंगे कि आप दिखाएं। जी जी आइए। तो अभी ये देखिए, ये जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा होगा जी, ये जो इतना पोर्शन दिख रहा होगा इतना पर से पहले मिट्टी का था, तो इसी को तोड़वा कर बना रहे थे मकान। हम पहले थोड़ा सा ही बना था तो यहाँ पे हम लोग का जगह नहीं था, हम लोग तीन भाई थे चूँकि, तो जगह नहीं था, तो इसलिए हम लोग ये वाला हमको चाचा जी दे दिए थे कि इसमें आप बना सकते हैं। अच्छा अच्छा जी, यही वाला जो कमरा है ये चाचा जी दे दिए थे कि इसी में आप बनाइए रिकॉर्ड। अभी मैंने खुला में है तो क्या इससे पहले भी खुला ही था, करकट वगैरह भी कुछ नहीं था। यहाँ पे जैसे तिरपाल वगैरह आता है ना, तो बांस का ऐसे बनाकर और तिरपाल ऐसे करके और इसी में वीडियो रिकॉर्ड करते थे। बैकग्राउंड बहुत ख़राब था, देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर वीडियो बनाते तो उस समय कुछ लोग देख भी नहीं करते। आजकल लोग प्रोफेशनलिज्म में जा चुके हैं, लोगों को अच्छा दिखना चाहिए इंटरनेट पे। तो यहाँ पे हम पहले क्या किए थे कि प्लाई का बनवा लिए थे और वहीं से जो है कि वीडियो रिकॉर्ड करते थे। कुछ इधर पर्दा लगा लिए थे ताकि ढक सके इस दीवार और उसी में वीडियो बनाते थे। तो अभी भी यहाँ पे जो प्लाई उलाई था उसका यहाँ पे अभी कील उल दिख रहा है कि किस तरीके से हमने इसको ठोक ठाक कर यूज किया था इस दीवार को अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए। और इधर हम प्लाई का बनवा दिए थे ताकि अच्छा दिखे, और प्लस में इधर जगह कम पड़ रहा था, प्लाई कम पड़ा था, तो इधर पर्दा लगा दिए थे। उसका पुराना वीडियो भी मेरे पास है जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। लेकिन आज जो है कि YouTube का ही देन है, ऑनलाइन का ही देन है, और कि आज है कि हम अच्छा खासा स्टूडियो बना चुके हैं अपना। जी वो भी दर्शकों को दिखाना जरूर, चाहेंगे। जरूर जरूर जी, मेरा सौभाग्य होगा। अभी हम राजा राम जी के नए बंगला पर पहुँच चुके हैं। बंगला कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, चूँकि इन्होंने आज इंटरनेट की दुनिया में, यूट्यूब की दुनिया में वह मुकाम हासिल किए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्म प्रधान विश्व फल रखा, यश करनी चस फल चखा। जो इस दुनिया में जैसा करता है वैसा ही पाता है। तो जी हाँ, हम आपको जो राजा राम जी के ये नया आलिशान बंगला जो आप देख रहे हैं ये यूट्यूब की कमाई से बनाए हैं, चलिए आज उन्हीं के जुबानी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा पंक्ति बोला। और ये मेरा जो है मेरा ही यूट्यूब से ही कमाया हुआ है, मेरा ही मेहनत है। आज तक हम अभी भी अकेले ही हैं, मेरे साथ एक मेरा मामा का लड़का रहता है साथ में, वो साथ देते हैं। और ये जो अभी आप घर देख रहे हैं वो यूट्यूब से ही है। तो आप सभी के माध्यम से हम यहाँ पर एक लाइन जोड़ना चाहेंगे कि अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो जुनून जज्बा होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। जैसा कि अभी भैया ने कहा कि अगर आपके अंदर कुछ हौसला है तो ही आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आपको इस वीडियो के अंतिम में कुछ ऐसा चीज़ बताएंगे जिससे कि आप सभी को भी जरिया मिल सके। एक बार और चाहेंगे कि इनके जो ये आलिशान बंगला है जो YouTube के अर्निंग से बनाए हैं उसे एक बार और विजुलाइज करके दिखा दिया जाए दर्शकों के, और जो आने वाले हैं इस क्षेत्र में जो आज YouTube में बहुत सारे हैं जो अपना कमाई करना चाहते हैं या वीडियो बनाते हैं उसको कैसे अपलोड करते हैं, ये सारे चीज़ दर्शकों को बताते तो बहुत अच्छा होता है। जी जी जरूर जरूर, हम और इसी के लिए हमने अपने ही नाम से राजा राम प्रसाद के नाम से अगर आप YouTube सर्च कीजिएगा तो मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां पे हम बताते हैं कि कैसे आप YouTube पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका 1000 वॉच टाइम जैसे कि अभी मैंडेटरी हो चुका है, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो आप कैसे कमाई कर सकते हैं। YouTube ही नहीं है, वेबसाइट है, ब्लॉगिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, और ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग है, बहुत सारा जरिया है ऑनलाइन पैसे कमाने का। लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे वैसे वैसे उनको पता चलते रहे। अभी आपने बताया कि आप जो YouTube की शुरुआत किए थे इंटरनेट की दुनिया में 24 अक्टूबर 2016 को जी, तो आपका और यहाँ तक जो सफर रहा, जर्नी रहा, किस टाइप का रहा? तो यहाँ अभी कितने फॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं? जब मैं शुरू किया था तब तो मैंने ही अपने ही दूसरे मोबाइल से अपने आप को सब्सक्राइब किया था, लेकिन आज देखिए कि सभी व्यूअर्स का, सपोर्टर्स का सहारा है, सपोर्ट है, प्यार है कि आज मेरे चैनल पे 33 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 3.3 मिलियन आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और इतना ही नहीं, फेसबुक पे भी हमारे लोग जुड़ चुके हैं, सीखे ऑल इंडिया का पेज है,
यदि 3.3 मिलियन व्यूअर्स हैं तो सब मैंने समझा जा सकता है कि आप एक मेहनती हैं, लगनशील हैं जी, और जी, आने वाले लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आने वाले लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि आप सभी अगर कुछ करने के लिए ठान लिए हो तो उसे तब तक मत छोड़ना जब तक आप उसमें कुछ हासिल ना कर लो। अगर आप सभी उन चीज को छोड़ दोगे करना तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। एक शब्द आपसे मजाकिया लफ्ज में पूछना चाहेंगे, जरूर जरूर, कि आप इतने चोटी पे हैं और सफल इंसान आज बने हैं जी, तो एक कहावत है कि किसी भी सफल इंसान के पीछे एक सफल स्त्री का हाथ होता है, तो क्या यह आपके ऊपर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है? जी, हमने जो मुकाम हासिल किया है, या किन्हीं का हो, माता का हाथ हो और किन्हीं का भाभी का हाथ हो, मतलब हम अभी तक जीवन में जो अनुभव किए हैं उस अनुभव के कारण मैं आपको बता पा रहा हूँ कि मैंने जो ये मुकाम हासिल किया है, मैंने अपनी गरीबी को देखा है, मैंने अपने आप को झेला है कि किस तरीके से लोग, मतलब आप अगर पैसे नहीं कमाते हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो लोगों का जो बोलने का लहजा है, बोलने का जो जुबान में कड़वाहट आपको देखने को मिलेगा, उस सभी चीज़ों को झेला है। जब हम गर्दन में टोकरी में लटका के धूप में जाकर ब्रेड बेचते थे, साइकिल पर बर्फ़ बेचते थे ना, तो और ब्रेड के जो मतलब आग के सामने 3 घंटा 4 घंटा अपने पसीने को मतलब बहाते थे ना, तब उस वहाँ से जो जुनून मिला है ना, वही सबको देखते हुए आज हमको कहीं पे भी मेहनत करने से रोकता नहीं है। और आज ऐसा है समय है कि आज हम 3-3 बजे रात तक अभी भी 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, फिर भी हम रियलिटी है कि आग की तपन से जो निकलता है वही संसार में इतिहास लिखता है जी, जी, तो जी। इसका जाता जागता उदाहरण आप हैं जो सटीक बैठता है। उतना तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, अपने अपने पैरों पे चलकर अपने मेहनत से कुछ मुकाम मैंने हासिल किया है ताकि लोगों का उदाहरण मैं बन सकूँ, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आप स्टूडियो वगैरह भी बनाए हैं जी, जी, उसे जी, भी आप दर्शकों को दिखाएं कि आपका किस तरह का स्टूडियो है, कैसे कितना उसमें इन्वेस्ट किए हैं, क्या लागत आई है। ठीक है, अभी एक लाइन और मैं आपकी इच्छा से जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं YouTube पे शुरू हुआ था तो मेरा पैसा 4 महीने तक नहीं आया था, और 4 महीने बाद जब पैसा आया था ना, 1.5 लाख रुपये आया था, 1.5 लाख, मतलब कहने को बहुत बड़ा रकम होता है। इतना खुशी हुआ था, उसी खुशी में हम बैंक चले गए और उसी बीच मेरे पास 30,000 रुपये का सेविंग था। तो हम आप सभी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि वो मेरा पैसा ATM के द्वारा बदला कर पैसा सारा का सारा 1,76,000 रुपये चोरी हो गया था, आज तक वो पैसा हमको मिला नहीं। और वो तब का समय था जब हम YouTube पे शुरू किए थे, लेकिन जिसने भी चोरी किया होगा मेरा पैसा, वो देखे कि आज मैं किस मुकाम पे हूँ।